हेलो दोस्तों, उम्मीद है तुसी सारे ठीक होवोगे। अज असी लेके आए जी नवा ब्लॉग। जिमें कि तुसी साडे पिछले ब्लॉग नूं बड़ा एप्रीशिएट किया, थोड़ी एप्रीशिएशन ने सानू होर एनकरेज किया कि असी थोड़े लिए होर चंगीआं वीडियोज लैके आईए, नवे टॉपिक्स ते नवीआं चीज़ां तुहानूं दसीए, जिहड़ी कि नवे घोड़ा पालक है जिन्हां नवे फार्म बनाउणे हैं जां जिन्हां ने फार्म ऑलरेडी बना चुके हैं उन्होंने की कमियां। कई बार आप घोड़े नवे रखे होंगे, अपन कमियां समझ नहीं होंदिया, वो गलतियां दे कारण अपने एनीमल नुकसान खा लेंगे है। उन्होंने नुकसान तो बचने लिए असी कोशिश करते हैं डे बाय डे कोई ना कोई नवा टॉपिक थोड़े वास्ते लेके आईए, जिन्हें फार्म बना ले है वो भी इंप्रूव कर लैन, जिन्हें नवे बनाने हैं वो भी साड़ी वीडियो वेख के कुछ गलतियां करन तो बच सकते हैं, ताकि उन्होंने एनीमल जिहड़े है वो किसी भी तरह के नुकसान के विच ना आउण। सो वीडियो नूं पूरी वेखियो, बरीकियां पूरियां जाणियो ते नुकसान तो बचियो। सो सब तो पहला तो मैं तुहानूं विखाउणा चाहुंदा भी जिवें साडे आ एंट्रेंस वाले गेट आ घोड़ियां दे, जिहड़े तो आपदे स्टेबल दे अंदर जांदी है, अंदर जांदी है ते बाहर निकलती है। ये दो टाइम इहो जिहे हुंदे आ भी एनीमल बड़ी स्पीड दे विच अंदर आउंदा ते इस एरिए चो बड़ी स्पीड दे विच बाहर निकलता है। जदों बाहर निकलता खास करके उदों वेखो तुसीं आ राउंड पिलरस, असी हाफ राउंड पिलरस दिते आ एक साइड ते, ये बनाए तां किसी होर कारण सी पहलां पर सानूं बेनीफिट हुण दे रहा, इहदे बारे उस कारण बारे बाद चों गल करांगे। आ वेखो इस पिलर नूं भी असी थौड़े नाल छलाया, दोवें पासे पिलरां नूं कोशिश कीती आ भी किसे पासे कॉर्नर ना बचे। इस कॉर्नर दा सब तो वड्डा नुकसान इह हुंदा भी जदों घोड़ी पूरी स्पीड च बाहर निकलती है ते मगरला हिप इस कॉर्नर पर वजदा, जिद हिप नुकसान पहुँचता, हिप की अड्डी अंदर चली जाती है, जिन्हों आप कह दें कुल्ला ढल गया, घोड़ी का कुल्ला। जिन्हों नहीं समझ आई कुल्ले बारे उन्हों मेरी इस वीडियो तो आजूगी, जिमें आ बच्ची है मेरे को मारवाड़ी, इन दोवें हिप वेखो दोवों पासे कॉर्नर चैक करो भी बिल्कुल बराबर कॉर्नर आ दोवों पासे। ये कॉर्नर पर जो सट वजदी हिप अंदर वड़ जाता है, ये कुल्ले इसनूं पंजाबी जी कुल्ला कहिंदे आ। कुल्ला ढलिया अपने लिए बहुत नुकसानदेही हुंदा है, एनीमल का रेट 50% ही वध जांदा है। सो इहदे लई जरूरी है भी तुसीं इहदे कॉर्नरस राउंड कर लो, बनाउण लग्गिआं ही जिथों तक उहदा हिप ना वजे, उदों उपर भावें उह तिखा ही रहि जाए दोवों पासे। हुण जिवें असीं इधर भी कटाया, इहदों बाद उहनूं हुण प्लस्तर करांगे, असीं भी गलतियां कर कर सिखियां ने, साडा ऑलरेडी बणिआ विआ सी ते हुण इस करके हुण इहनूं उत्ते प्लस्तर हो जूगा। इधरों राउंड है दोवों पास, तुसीं भी नवें फार्म बनाउणे आ ते इहनूं इन्ना कि एरिया 5 फुट तक दा राउंड कर लिओ, उपर भावें कॉर्नर तुहाडे तिखे भी रहि जाण कोई दिक्कत नहीं, जदों घोड़ी ने लंघणा उत्थों जरूर कॉर्नर तुहाडे राउंड होने चाहीदे आ। ये बरीकी असीं भी गलतियां खा के सीखी है, साथों सीनियर्स ने सानूं आके टोकिया ते सानूं समझ आई भी वाकई ये चीज़ नुकसान दे सकती है। तो तुसीं नुकसान तो ऑलरेडी बच सकते हो जो तुसीं साडी वीडियो वेख रहे हो, तो जे थोड़े नहीं बनया हुआ फार्म तो उन्हू छला लियो, जे तुसीं नवा बनाउणा है तो उन्हू और शुरुआत तो ही इतों 5 फुट तक गलाई दे दिओ। सैकेंड आप गलती करते हैं इलैक्ट्रीसिटी फिटिंग पर। इलैक्ट्रीसिटी फिटिंग जो सब तो पहला जी गल आ बल्ब की, बल्ब कोशिश करो जी खाने वाली खुरली आंधे उपर ना लाओ, क्योंकि जिमें कि किरलियाँ जां मच्छर मक्खी बल्ब के कोले कोले भिणकदे आ ते मरदे आ, मर मर के वह खुरली च डिगणगे, खुरली हो सकता कोई जहरीला कोई इहोजा जानवर जां कोई इनसैक्ट डिग जे जिहड़ा अपना जानवर बीमार करे। इसलिए कोशिश कि परमानेंट ये सोच लो भी आपां बल्ब तां खुरली दे उत्ते लाउणा ही नहीं, ये तो पिछे ही होना चाहिए, इहदे नुकसान बड़े आ। कोई किरली डिग गई, कोई मच्छर मक्खी डिग गया, उन्हें फूड के रल जाना तो फूड घोड़ियाँ ने कंज्यूम कर लेना, जो कंज्यूम कर लिया वो अंदर जहर बनाऊगी, वो बहुत तरह के बीमारियों तुहाडे अगे लैके आऊगी, तो अपना नुकसान करूगी एनीमल का भी तो अपना भी, एनीमल का नुकसान। तो दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, घोड़ियाँ की हाइट ज़्यादा होंगी है मझां गावां नालों, मझां गावां दे स्विच आपां कमरियां दे अंदर ही ला दिंदे आ, इलैक्ट्रिकल फिटिंग थले तक ले आने। घोड़ियाँ के फार्म के घोड़ियाँ के कमरे में कभी भी गलती नहीं करनी भी कोई भी इलैक्ट्रिकल फिटिंग घोड़ियाँ की पहुँच के बच्चे नहीं होनी चाहिए। जो भी कोई तार घोड़ियाँ की पहुँच आ गई, इन्हों आदत है, इन्होंने हर चीज़ में चथना है, इन्हों करंट लगेगा, इन्हें आपकी आदत तो मजबूर ने, यह नहीं हटनगियाँ। आप
ये चीज़ पहला ही वेखनी पेगी भी आप जी इलैक्ट्रीकल फिटिंग आना पहुँच तो दूर रखिए। हमेशा इलैक्ट्रीकल फिटिंग उच्ची तार जमा इन्हों की नज़दीक ना आए किसी पास्यों भी ये जरूर ध्यान रखियो। थर्ड जिमें एक होर इंपोर्टेंट पॉइंट तुम्हें तो इतने मैं क्लीयर कर दा, मेरे परले कमरे जोड़े उन्होंने जीडिया सेंटर वाली पार्टीशन सिरे तक ने हवा की वेंटिलेशन नहीं प्रॉपर हो पाती। जे तुसी मेरे तरह इत चार चार फुट दियां कंधां कर लो तो घूड़ियां तुहाडियां लड़दियां नहीं आपस दे विच, तो ये इन्ना क ज़्यादा हवादार मेरा हॉल बनया ना कि मेरा जी करता मैं ही इत सारा दिन बैठा रहा। जो सामने वाले पासे कमरे है वो डिफरेंट आ इहदे नालों बने हुए। तीजी वापस आप इलैक्ट्रीकल ते आउने हैं स्विचिस ते, हुण आप मेरे एरिए दे सारे फैन या बल्ब उहदा स्विच वेखो भी कित्थे लगा गया। इत्थे कोई भी घोड़ी स्विचां ते भी मूँह नहीं मार सकदी, स्विच भी उन्होंने पहुँच तो दूर ने, तार पहुँच तो दूर तो करनी ही करनी है। स्विच भी नेड़े होणगे तो मूँह फसा के जीबा मार के जो आपका सलाइवा इन्हों के अंदर जाऊगा तो करंट का फिर नुकसान उत्थे ही आ जाऊगा। स्विच वायरिंग बल्ब फैन ये चार पाँच चीज़ा जिहड़ियां ये जिन्नी इन्हों की पहुँच तो दूर होणगियां उन्ना ही अपनी स्ट्रैस घटती है टेंशन घटती है। सो स्ट्रैस आपां पलनी ही क्यों है, आपां पहलां इन्हां चीज़ां दा इंतजाम कर लईए, पहलां ही आपदे नुकसान होण तों सिख लईए, किसी होर तों सियाणे के बंदे दी राय लै लईए। मैं हमेशा अपने सीनियर्स नूं बहुत रिस्पैक्ट करदा, मैं हर सीनियर तों पुछदा रहिंदा, भावें जिन्ना मर्जी मैनूं नॉलेज होवे मैं कोशिश करदा जिहड़े मेरे तों सीनियर आ उन्होंने बहुत कुछ आपदे ते हंडाया जो कि मैं सिंपली उन्होंने सिर्फ पुछ के सीख सकदा, ना कि मैं गलतियां करके नुकसान खाण तों बाद सीखां। तो जिन्ना क मैं सीखा मैं कोशिश करता उन्ना थोड़े सामने रखा ता कि तुसी भी हो सकता तुहाडे कोल टाइम घट होवे तुसी हर बंदे कोल पहुँच नहीं कर सकते उन्ने तोरा फेरा नहीं कर सकते, तो तुहानूं घरे बैठे थोड़े वास्ते वो इनफॉर्मेशन जिन्नियां क मैं गैदर कीतियां थोड़े अगे लिया के रखन की कोशिश करदा। जिवें कि मेरे हुण आले वरांडियां दे स्विचिस असी पहलां इत्थे ला लिया सी, इत्थों भी मैनूं किसी ने टोकिया किसी ने समझाया किसी सीनियर बंदे ने भी भाई इत्थे तू बाहरले पासे एनिमल बन्नेगा तो इत्थे मूँह मारनगे करंट आऊगा। तां ही मैं जिन्नियां भी गलतियां आप कीतियां वो गलतियां मैं कोशिश करदा भी तुहाडे अगे रखा भी आ गलतियां तो तुसी बचो। हुण इह साडे सारे छे कमरे आ इधर उन्हां स्विचिस वेखो असीं कित्थे लिया के लाए आ भी घोड़ा नेड़े तेड़े भी खुल के भी कितें नेड़े ना आवे उन्हां तों दूर, जिन्ने स्विचिस दूर होणगे जिन्नी इलैक्ट्रिसिटी फिटिंग्स दूर होणगियां उन्ने आपां स्ट्रैस फ्री हैं टेंशन फ्री हैं। आपदे आप नूं स्ट्रैस फ्री रखो ता कि आपां घोड़ियां दे होर कम्मां दे ध्यान दे सकीए, ना कि यह वेखी जाइए भी कितें हुण तार नहीं चाबली हुण इन्हें कितें जीभ ना ला दे हुण कोई होर नुकसान ना हो जाए। तो कई बार ये गल्लां अपने दिमाग 'च नहीं हुंदियां, आपां नूं गलतियां होण तों बाद समझ आउंदियां। सो गलतियां नहीं करनियां, महंगे एनीमल ने बहुत प्यार करते हैं आप इन्हां जानवरों नूं, ये आपां नूं दुगना प्यार करते हैं। सो इन्हां दी जिन्नी केयर कर सकते हैं उन्नी घट है। सो ये तो बेसिक केयर दीआं गल्लां ने, होर आने वाली वीडियोज़ तुहानूं होर चीज़ां भी दस्सांगे जानकारी देंगे। चैनल नूं सबसक्राइब करो फॉलो करो शेयर वध तों वध करो तां कि नवें बंदियां तक मेरी ये वीडियो जरूर पहुँच सके। हुण तक लई बने रहने लई तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद, फिर मिलते हैं नैक्सट ब्लॉग 'च।